So, now we are going to study English, poem number one, that is Rain in the Night, okay? सबसे पहले हम इस poem को read करेंगे, बाकी का बाद में देखेंगे, okay? Rain in the night, raining all night long, raining all night long, sometimes loud, sometimes soft, just like a song. Raining all night long, sometimes loud, sometimes soft, just like a song. There will be rivers in the gutters and lakes along the street. There will be rivers in the gutters and lakes around the street. It will make our lazy kitty wash his little dirty feet. It will make our lazy kitty wash his little dirty feet. The roses will wear diamonds like kings and queens at court. The roses will wear diamonds like kings and queens at court. But the pansies all get muddy because they are so short. But the pansies all get muddy because they are so short. I will sell my boat tomorrow in wonderful new places. I will sell my boat tomorrow in wonderful new places. But first I will take my watering pot and wash the pansies' faces. But first I will take my watering pot and wash the pansies' faces. ये poem आपको दो तीन बार पढ़ दिए हैं, हाँ अच्छी poem है ना, सुंदर पोएम है। अगर लर्न होती है तो अच्छी बात है, लेकिन लर्न नहीं भी होती है तो भी आपको ये पोएम कम से कम दो तीन बार लाउडली पढ़नी है, ठीक है? सी व्हाट डज द पोएट टेल अस। रेनिंग ऑल नाइट लॉन्ग, समटाइम्स लाउड, समटाइम्स सॉफ्ट, जस्ट लाइक ए सॉन्ग। क्या हो रहा है? रेनफॉल हो रहा है, बारिश गिर रही है। कब? होल नाइट लॉन्ग, मतलब होल नाइट। ऑल नाइट लॉन्ग मीन्स होल नाइट, पूरी रात भर बारिश हुई। अभी अगर रात भर बारिश हुई तो वो सेम स्पीड से होती है क्या? कभी कभी बहुत बड़े आवाज़ में हवा होती है, तेज बिजली कड़कने की आवाज़ आती है, और कभी सिर्फ ऐसे टिप 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 आवाज़ आती है ना? सो समटाइम्स लाउड, समटाइम्स सॉफ्ट, जस्ट लाइक ए सॉन्ग। जैसे हम गाना गाते हैं, है ना, कभी कभी लाउड म्यूजिक उसमें होता है और कभी कभी बहुत ही सॉफ्ट सा म्यूजिक सॉन्ग में होता है। तो इन द सेम मैनर रेनफॉल इज हैपनिंग। रेनिंग ऑल नाइट लॉन्ग, समटाइम्स लाउड, समटाइम्स सॉफ्ट, जस्ट लाइक ए सॉन्ग। और इसका असर क्या होता है? इतना रेनफॉल होने के बाद में क्या होता है? देयर विल बी रिवर्स इन द गटर। गटर मीन्स नाली, अपने यहाँ पे होते हैं जो डर्टी वाटर को कैरी करके लेके जाती है ना, छोटे छोटे कैनल्स जो बने हुए होते हैं ना, तो उसे गटर्स बोलते हैं, है ना। देयर विल बी रिवर्स इन द गटर। अभी इतनी सारी बारिश हो रही है तो ये बारिश का पानी कहाँ जाता है? ये जाता है गटर्स में, और गटर्स में वो फुल स्पीड से बहता है। जैसे अपने गाँव का नाला है ना, बारिश के दिनों में अगर अपन जाएंगे तो वहाँ पे वो कैसे रहता है? ऐसे लगता है बाप रे ये तो नदी है कोई, ऐसे लगता है अपने को रिवर है कोई। सो देयर विल बी रिवर्स इन द गटर एंड लेक्स अलोंग द स्ट्रीट। और गटर्स में रिवर जैसा पानी फ्लो होगा, और रास्तों में जगह जगह पे क्या बनेंगे? लेक्स बनेंगे। लेक्स मतलब तालाब। अपने यहाँ पे होते हैं ना रास्तों के ऊपर बड़े बड़े गड्ढे होते हैं, और बारिश के दिनों में उसमें इतना पानी भर जाता है कि रास्ता कहाँ और गड्ढा कहाँ समझ में नहीं आता। तो ऑथर ने क्या बोला है, पोएट ने क्या बोला है? देयर विल बी रिवर्स इन द गटर्स एंड लेक्स अलोंग द स्ट्रीट। गटर्स होंगे गटर्स में रिवर्स जितना पानी होगा, और रास्ते में लेक्स मतलब तालाब भी बने हुए होंगे। इट विल मेक अवर लेजी किटी वॉश हिज लिटिल डर्टी फिट। और इतना सारा पानी देख के हमारा जो किटी है, किटी मतलब कैट, डर्टी जिसके पैर बहुत गंदे, उसको भी लगेगा कि थोड़े बारिश का पानी है तो उसमें अपने पैर धो ले, है ना। अपने जैसे ये कैट वगैरह रोज नहाते हैं क्या? नहीं, लेकिन अगर कभी बारिश वगैरह हो तो उसके पानी में वो जरूर क्या करते हैं, उनको भी पसंद है ना बारिश। तो इट विल मेक अर लेजी किटी वॉश हिज लिटिल डर्टी फिट। द रोजेस विल वियर डायमंड्स लाइक किंग्स एंड क्वींस एट कोर्ट।
द रोजेस विल वियर डायमंड्स लाइक किंग्स एंड क्वींस एट कोर्ट। अभी रात को अगर बारिश हुई तो जो फ्लावर्स होते हैं हर जगह पे हमें छोटे छोटे रेनड्रॉप्स दिखते हैं ना, और फ्लावर्स के ऊपर जो रेनड्रॉप्स होते हैं वो देख के ऐसे लगता है जैसे कि डायमंड चमक रहे हैं उसके ऊपर, है ना। तो इसको देख के पोएट को लगता है कि जैसे कोई किंग और क्वीन है कोर्ट में बैठे हुए और उन्होंने क्या किया है, मुकुट पहना है डायमंड वाला। तो ऐसी फीलिंग आती है रोजेस को देख के, मतलब रोजेस क्या करेंगे, डायमंड वियर करेंगे, डायमंड पहनेंगे। बट द पैंसीज ऑल गेट मडी बिकॉज दे आर सो शॉर्ट। लेकिन पैंसीज का ऐसे है क्या, पैंसीज मतलब छोटे छोटे प्लांट्स जो रास्ते में होते हैं ना, ग्रास से बने हुए, ग्रास है ना, वो कैसे बन जाते हैं, मडी बन जाते। रोज का प्लांट हाइट में बड़ा होता है तो उसमें वो बहुत अच्छे से क्लीन दिखता है, लेकिन जो पैंसीज होते हैं छोटे छोटे वो पूरे उनको मिट्टी लगी हुई होती है। क्यों, क्योंकि उनकी हाइट कम होती है, है ना। आई विल सेल माई बोट टुमारो इन वंडरफुल न्यू प्लेसेस। मैं भी क्या करूँगा, मैं भी अपनी बोट निकालूंगा और मस्त उसमें बैठ के कहीं तो भी निकल जाऊंगा। अभी बोट कैसे निकालेगा, ये छोटे बच्चे बनाते हैं ना बारिश के दिनों में कागज की बोट और वो पानी में चलाते हैं, तो ऐसे मैं भी मस्त मेरे बोट में बैठ के वंडरफुल न्यू प्लेसेस में जाऊंगा। बट फर्स्ट आई विल टेक माई वॉटरिंग पॉट एंड वॉश द पैंसीज फेसेस। लेकिन उससे पहले मैं क्या करूँगा, मेरा वाटरिंग पॉट निकाल के, वाटरिंग पॉट मीन्स जिससे हम प्लांट्स को गार्डन में पानी देते हैं ना, झारी, वो निकालूंगा एंड वॉश द पैंसीज फेसेस। और पैंसीज के फेसेस जो है वो मैं पहले वॉश करूँगा। क्यों, क्योंकि वो मड़ी है, उनके ऊपर बहुत सारी मिट्टी लगी है, पहले मैं उसको वॉश करूँगा। और उसके बाद में आई विल सेल माई बोट टुमारो इन वंडरफुल न्यू प्लेसेस, और उसके बाद में मैं भी मेरी बोट में बैठ के दूर चला, अच्छी नई सुंदर जगह पे मैं भी घूमने चला जाऊंगा। ओके, सो दैट इज द पोएम रेन इन द नाइट। ओके, अच्छी है ना पोएम, पोएम अच्छी है। और ये जो अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स दिख रहे हैं ना तुम लोगों को, ये अंडरलाइन किए हुए वर्ड्स आपको पहले तो आपकी बुक में लिखने हैं, इसके स्पेलिंग्स और प्रोनाउंसिएशन अच्छे से लर्न करो, और इसके बाद भी ये पोएम भी आपको क्या करनी है, रीड करनी है लाउडली, और रीड करने के बाद में लिखनी भी है, ठीक है। और ये पोएम लिखने के बाद में हम इसके एक्सरसाइज के बारे में कल सोचेंगे, पहले फिलहाल इतना काम करो, ठीक है।